हेलो दोस्तों, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है। राम राम दोस्तों। आज दोस्तों आप हमारे साथ में जो यात्रा करेंगे वो है चंबा से भरमौर जा रहे हैं और ये खतरनाक, शानदार, अमेजिंग एडवेंचर, बहुत ही अलग तरह का रास्ता है। ये 60 किलोमीटर है चंबा से भरमौर, तो ये पूरा का पूरा रास्ता आज हमारे साथ में देखेंगे। और रास्ता जो है वो सारा का सारा इसी रावी नदी के किनारे, इसके इर्द गिर्द ही है सारा का सारा जो है। तो हमने सोचा अभी फ्रूट खा लेते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं चंबा टू भरमौर विद शुभ जर्नी। और आज कुछ नहीं खाना पीना किया, सब रास्ते में, कहीं खाना पीना दूध सब रास्ते में करना पड़ेगा। दोस्तों हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही शानदार है, भरमौर जा रहे हैं हम लोग। ये हमने दूध लिया है। वैसे आप आए कहाँ से हो भैया? तो इधर ही क्वार्टर लिया है। क्वार्टर लिया है, यहीं रहते हो? वैसे वो कहाँ के? राजस्थान। राजस्थान के? हाँ। और भजन गाते हो? दोस्तों यहाँ पर आने से पहले हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि चंबा टू भरमौर रास्ता जो है वहाँ पर रास्ते में शायद ही कोई गांव होंगे, लोग होंगे, लेकिन पूरे रास्ते में खतरनाक सोच रहे थे, इससे ज्यादा खतरनाक सोच रहे थे कि हम लोग। और पूरे रास्ते में गांव है, खेत है, लोग रहते हैं और ये रावी नदी, और ये पूरा रास्ता लगभग इस नदी के किनारे किनारे ही अब तक का था। इर्द गिर्द अभी इधर है, बाद में उधर हो जाएगा उस साइड में। मैं सुबह से भूल गया, कल ये लेके आया था किलकी, पहचान हिमाचल के चंबा की, भरमौर की और हिमाचल की पूरे की किलकी। इससे जो है वो यहाँ पर बांधते हैं, नहीं ओके ओके। अरे वाह, ये तीसरा वाला पॉइंट है ना, इसको यहाँ अच्छा लगे कैसे, अब देख। अरे वाह अरे वाह, चंबा टू भरमौर बहुत ही खूबसूरत रास्ता है पूरा का पूरा। बहुत सारे गांव आए इधर उधर, जगह जगह पर पहाड़ों पर लोगों के घर भी बने हुए हैं। और वैसे भी यहाँ के गांव 3-4 किलोमीटर तक एक ही गांव फैला होता है ऊंचाई पर। और इस तरह के खूब सारे पुल भी आए पगडंडी वाले। ये गांव कौन सा है वैसा? राख, राख। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ से आटा ले रहे हैं 2 किलो, और गुड़ भी देना भैया। कितना? आधा किलो तो दे दो। ये एक और पावर स्टेशन है दोस्तों, यहाँ पर बिजली उत्पादन होता है, रावी नदी के ऊपर ही बना हुआ है। यहाँ से अब हम लोग जो है वो दूसरी राइट साइड जाएंगे। पहले रोड लेफ्ट लेफ्ट ही चल रही थी पूरी, अब नदी के उस पार भरमौर तक ऐसे ही चलेगा, उसी साइड में आएगा भरमौर भी। आगे सड़क कटी हुई है,
जबरदस्त इस डैम में पानी भरा हुआ है, बहुत गहरा है ये। यहाँ पे जैसे लग रहा है बादल उठ रहे हैं पानी के अंदर से। बग्गा नाम से गांव आया है और अब ये भी तैयार हो रही है टॉप पहन के, इसको भी अच्छी लगी। ये राजस्थान हिमाचल मिक्स हो गया, यहाँ पे ऊपर हिमाचल नीचे राजस्थान है भी ऐसे ही रास्ता ऐसे। इस वीडियो के नीचे दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और शुभ जर्नी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंटिन्यू हमारी ये हिमाचल यात्रा आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने राजस्थान यात्रा भी देखी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दपन दबा बटन दबाओ। क्या बोली बेटा, दोबारा बोली, दपन दपन दबा दो। दोस्तों आज हम झरने के नीचे गाड़ी दुला रहे हैं, ये कुछ इस तरह की जगह है दोस्तों। और जी राम राम, कहाँ से आ गए? घर से। ऊपर गांव है क्या? क्या नाम है गांव का? गांव का नाम है बग्गा। बग्गा, अच्छा। यहाँ ऊपर भी है गांव के कुछ घर। ये पानी जो आ रहा है धोने का, कहीं लाइट से आ रहा है अपने आप प्रेशर से? नेचुरल प्रेशर से। कोई झील है क्या ऊपर? नहीं। तो ऐसे ही है। अच्छा, इस तरह का कोई आ रहा है ना। नदी की साइड में लैंडस्लाइड हो रखा है बहुत बड़ा, ये खतरनाक हो गया। जबरदस्त नदी में पानी बह रहा है, बहुत जबरदस्त। ऐसा ही है दोस्तों पूरा रास्ता, कहीं मनमोहक दृश्य है सुंदर सुंदर झरनों का पूरे रास्ते में, तो कहीं पर लैंडस्लाइड या फिर बरसात के अंदर ज़्यादा पानी के तेज़ बहाव से इस तरह की टूटी सड़कें। पूरा का पूरा रास्ता एक अलग ही तरह का था हमारे लिए। इधर से झरना चल रहा है और यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो रहा है। देखो बेटा ऊपर से आया है ना बड़ा सा लैंडस्लाइड, जबरदस्त हुआ है। दोस्तों ये जो लैंडस्लाइड है, ये बता तो ऐसे रहे कि ये बहुत पुराने टाइम में हुआ था, लेकिन अभी भी इससे यहाँ से मलबा आता रहता है। ये इतना दिख नहीं रहा है क्योंकि हम एकदम इसके नजदीक है ना। चलो ट्रक आ गया। अच्छा ये ट्रक आ गया आगे से, तो यहाँ से गाड़ियां भी एक एक करके पार करनी पड़ती है। सड़क के नीचे भी चला गया मलबा, बहुत बड़ा ये लैंडस्लाइड है, लेकिन एक बार खिसक गया तो ये मलबा आता रहता है। एकदम पतली भी है यहाँ पे। अभी चल रहे हैं, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं रास्ता और ज्यादा ऐसे खतरनाक, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड वाला ऐसे हाईवे होते हुए भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब। सिंगल सड़क जैसे अगर सामने से बस ट्रक आ जाए तो गाड़ी को रोक रोक के ऐसे साइड देख के ऐसे निकल रहे हैं। हमारे को तो इतना डर लग रहा है कि जैसे सामने से बस और ट्रक आ रहा है ना, तो पहले हम ऐसे ट्रक से दूर से निकलते थे कि भाई ट्रक के ज्यादा नजदीक नहीं जाना। अभी हम तो एकदम ऐसे चिपक के गाड़ी निकाल रहे हैं, मतलब इधर का ज्यादा डर लग रहा है, खाई की साइड का ट्रक का इतना नहीं लग रहा। ऐसे होता है ना कि जैसे बहुत बड़ा आगे डर होता है तो वो कुछ नहीं लगता छोटा वाला। लैंडस्लाइड लेकिन पहाड़े से है, इनको देख के डर लगने लगे।
बूंदाबांदी वाली बारिश अभी भी हो रही है। क्या लिखा है, सड़क हमारी भाग्य रेखा है। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा है। कैसे कैसे पहाड़ आ रहे हैं और ये बहुत बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं सामने से धीरे। जैसे जैसे दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ रहे थे, और ज्यादा खतरनाक सड़कें आ रही थी, और ज्यादा डरावने सीन, नीचे गहरी खाई, ऊपर से मुड़े हुए पहाड़, सब भोले शंकर की कृपा से चल रहा था। दोस्तों काफ़ी दूर से हम लोग नॉन स्टॉप चलते आए हैं, रुके ही नहीं कहीं पर। ये एक लोकेशन आई है जहाँ पर एक दुकान भी बनी हुई है। ये गांव कौन सा है वैसे? बत्ती हट्टी। बहुत ज्यादा हाइट से ये झरना बह रहा है। इस पहाड़ के नीचे चलते अब हमारे लिए कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। आधी गुफा आप कह सकते हैं, पूरी गुफा भी नहीं है, पहाड़ के नीचे से हम लोग जाएंगे। काफ़ी अलग एक्सपीरियंस, डरावना भी। एकदम मतलब पूरा पहाड़ है ऊपर, एकदम मतलब ऐसे ऊपर पहाड़ कटा हुआ था और अभी उसके नीचे से निकल के आए हैं। ये देखिए दोस्तों, इस साइड में जबरदस्त पानी आ रहा है और ये पहाड़ों के बीच का दर्रा। ओ बहुत नीचे की तरफ है, बहुत नीचे की तरफ। पूरे रास्ते में दोस्तों पहाड़, झरने और अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस खूब लिए। ये देखिए खूबसूरत झरने। अब एक जगह पर गुफा भी देखेंगे। यहाँ पे पहाड़ों में ऐसी गुफा बनी हुई है जिसमें पावर प्रोजेक्ट चल रही है। लाइटें चलाओ, बिल्कुल अंधेरा है इसके अंदर। आधी दूर तो कुछ ऐसे लगा हुआ था और अब आगे ऐसे ही पहाड़ है, पहाड़ को काट के बनाई हुई है। आगे एक दो जगह ये ऐसी रोशनी भी है। बहुत बड़ी गुफा आ गई यार। हाँ बड़ी आ गई और पता ही नहीं कि कितनी लंबी है। हाँ दिख गई। आगे अंदर भी जगह जगह पानी आ रहा है। दोस्तों दो पैर के
दो बज गए, आज खाना भी नहीं खाया, ना तो खा के कहीं से निकले ना रास्ते में खाया, अभी खाना खाएंगे। रात को हमारे पास में आटा नहीं था, खत्म हो गया था, तो हम थोड़ा चंबा से बाहर रुके थे, तो वहाँ पे आस पास में था भी नहीं आटा कहीं, सुबह लिया है आटा। अब तो ले लिया, लेकिन अब जो है वो आटा है लेकिन स्थान नहीं है, कहीं नहीं मिल रही है, थोड़ा में से डर लग रहा है। आज तो पूरे रास्ते हम लोग आए हैं, एक ही लेवल पे आए हैं लगभग। अब जो यहाँ से 12 किलोमीटर है भरमौर, तो इस साइड में हम लोग इस रावी नदी के ऊपर, यहाँ पर भी डैम बना हुआ है, इसको पार करके और ऊपर चढ़ेंगे यहाँ से। पहले दोस्तों गाड़ी के अंदर ही हम लोग जो सेट कर रहे हैं, जैसे कि आटा, गुड़ को, गुड़ को गीला करने का काम हो गया, गुड़ घोलने का काम। बारिश आ रही है, है? तो भूख लग रही है जबरदस्त, नहीं आई है इसलिए हम यहाँ पर बना रहे हैं। बना के नहीं लाए इसलिए हम यहीं पर बना रहे हैं। देखो इस दोस्तों पूरे रास्ते में इससे अच्छी जगह हमें नहीं मिली कहीं पर भी। एक दो जगह थी लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, यहाँ पे मंदिर था तो ऐसे ठीक है। ऐसे पॉइंट तो मिल गए थे बाकी दूसरे तो, लेकिन यहाँ पर जैसे मंदिर था और नीचे महात्मा जी भी है, गुफा जैसा मकान बना हुआ है, तो एक साथ में पानी की भी सुविधा है, इस साइड में नल लगे हुए हैं, तो ये फायदा हो गया। और माता जी का मंदिर है यहाँ पर, ये गुड़ और आटा, बस दो ही चीज है। अगर अजवाइन या सौंफ होती तो जरूर मिला लेते इसमें, बेकिंग सोडा होता तो वो भी मिला लेते। हां तेड़ो तेल आयो लगा चेक कर। जल्दी ले गयो पानी और ले गयो, जो झरना होता है ना वो नहीं लेके आए। एक टेंशन और है कि गैस खत्म होने वाली है। भूख लगी भाई भूख लगी, हमने सोचा था कि बारिश दोपहर तक रुक जाएगी, रुकी नहीं, और यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर 13 किलोमीटर भरमौर है, अभी भी और आगे तेल ज्यादा जाएगा साथ में और कुछ। ताता एक बार बेटा ताता है। सिया गया सो थोड़ी दूर है, बैठे तो ऐसी जगह ही है। कोई आदमी आकर ऐसे बोल दे कि भाई साहब 20 रुपए की प्लेट दे दो, तो प्लेट तो जरूर दे देंगे, ऐसे ही खा लो भाई, क्योंकि यहाँ 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 मुझे लगता है ये स्पेशल ही होगी डिश, ऐसे ऐसे लग रहा होगा कुछ खास बनाते होंगे, देखे नहीं कहीं पर दुकानों में नहीं देखे। हमारी साइड में ये सर्दियों में बहुत ज्यादा बनाते हैं, और हम बोलते हैं गुलगुला, स्पेशली बनाते हैं मकर संक्रांति पे। आप दोस्तों यहाँ के जो हमारे दोस्त हैं वो देखते हैं वीडियो, कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आप इनको क्या बोलते हो और आप कौन से त्योहार पे बनाते हो इनको। हाँ रोटी और सब्जी दोनों बनाते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए गुड़ में आटा घोल लिया। चंबा से गैस भरवानी थी लेकिन वो बोले कल देंगे, तो इसलिए बेटा बेटा नहीं चलते, तू कर कौन सा बेटा, इसके ऊपर गिर जाएगी तेल पे, पानी गिर जाए, पानी गिरता है छमको बज जाए, चढ़ा के आ जा।
चढ़ा दिया बेटा शाबाश। इतनी ठंड है कि ये फटाफट से बन ही नहीं रहे, मतलब एक बार डालती हूँ तो पूरा तेल ठंडा हो जाता है। ये मैं जो बाबा जी है यहाँ पर उनके लिए लेके गया था, उनको देके आया हूँ। एक बार में हो जाए पूरा, बस इसके बाद लास्ट राउंड है। दोस्तों इतना खूबसूरत मौसम है, बारिश हो रही है और ऐसी पहाड़ों के बीच में बैठे हैं, ये हमारी स्मृति में है ना, हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे कि हमने ऐसे इस स्थान पर बैठ करके गुलगुले बनाए थे। ये स्थान हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो एक बार घूम करके मैं आपको दोस्तों जिस लोकेशन पर भाई हम बैठे हैं वो दिखा दूं। कुछ इस तरह की लोकेशन है ये जो नाला आ रहा है इस साइड में, आगे जाके रावी नदी के अंदर ही मैच मिल रहा है यहाँ से आगे, और ये मंदिर है। ये देखिए सुंदर सुंदर फोए जैसे बादल, रुई के जैसे। भरमौर जा रही है। अभी दोस्तों थोड़े से दो कुत्ते हैं बेचारे, ये कब के वेट कर रहे हैं, इनको डाल रहे हैं। ये दोस्तों थोड़ा सा नमकीन और निकाल रहे हैं, बेसन तो था ही उसमें नमक मिर्ची डाल लिए। नमक मिर्ची और आलू, आलू थोड़ा नमकीन हो जाएगा, थोड़े मीठे हो जाएंगे। तो अभी दोस्तों लास्ट है, ये गुलगुला भी निकाल लिए और बड़े भी निकाल लिए, इनको हम लोग पकोड़े बड़ा बोलते हैं, सिर्फ पकोड़े हैं। ये लास्ट बना रहे हैं और उसके बाद में खाएंगे। ये पकोड़े बना रहे हैं क्या? हाँ अभी पकोड़े, नमकीन पकोड़े, ये आलू के पकोड़े हैं, आलू बेसन। मुझे भी खाना है। तुझे भी खाना है? यम्मी बना रहे हो ना? हाँ यम्मी बना रहे बेटा, एकदम यम्मी। अगर चैनल अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर और बटन दबाना भूलना ना मत, ठीक है? अच्छी शोर आ रही है, खुशबू तो यम्मी यम्मी। कितना अच्छे अच्छे फाड़े, ये देखो फाड़ा है ना, अच्छे फाड़। दोबारा दिखाऊं? ये देखो है ना, कितना सुंदर फाड़ा है। फिर आगी ना, और मामा यहाँ पर क्या करे? ये दोस्तों यहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं ना हो पाए। दोस्तों प्रथम कैलाश दर्शन भरमौर से करीब 10-11 किलोमीटर पहले ये स्थान है, और यहाँ से ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर बादल आ गए, उसके बाद में यहाँ से दर्शन होते हैं कैलाश पर्वत के। तो दोस्तों आज तो बादल हैं जबरदस्त ऊपर की साइड में, कैलाश के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वापस आते समय अगर बादल नहीं हुए और धूप वाला दिन हुआ तो जरूर हम दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। यहाँ से मणि महेश कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर लाहल गांव आया है, लाहल। अब इनको दोस्तों सीधा भी खा सकते हैं, दही के साथ में ऐसे मिला के भी खा सकते हैं।
पहाड़ों के अंदर जगह जगह से मतलब ऐसे बादल उठ उठ के ऊपर जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ है, एकदम व्हाइट व्हाइट बर्फ के जैसा ही दिख रहा है। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और पहाड़ों के अंदर बहुत ऊपर ऊपर तक गांव बसे हुए हैं। सुंदर सुंदर बादलों का दृश्य आप हमारे पीछे की साइड में देख ही रहे हैं, कब से हम लोग इनके पास पास में चलते चलते आ रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त अच्छे लग रहे हैं, एकदम व्हाइट व्हाइट दूर से ऐसे दिख रहे हैं जैसे ये ऐसे 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 करके ऊपर पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं बादल जितने भी है। अब ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, बादल बहुत स्लो स्पीड से धीरे 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 ऊपर चढ़ रहे हैं। ठंडी हवा, आज बारिश आई है तो शायद उसकी वजह से ज्यादा ठंड होगी, शायद होगी। और धीरे धीरे मौसम तो ठंड वाला हो रहा है। तो दोस्तों भरमौर पहुंचने से जस्ट थोड़ा सा पहले है, करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ, आई लव भरमौर। आज जो है वो काफी आज क्या यहाँ तो होती है, कौन सा वो वाला है? हाँ वही है, ये देखो यहाँ पे है भरमौर, ये ले। अरे बारे सुंदर सुंदर गांव रे, नीचे नीचे झरना चल रहा है कितना जबरदस्त। कहाँ पे? यहाँ तक आवाज सुन रही है उसकी। हाँ ये वाटरफॉल हो रहा है यहाँ पे। सिंगार खिंड जी बार बार मैं आज सुबह उंगली हुए थे ना क्या बारिश के कारण गिल्ले हो गए। तो दोस्तों अभी जो है वो भरमौर हम पहुंच रहे हैं, पूरे दिन की यात्रा ही होगी, सुबह 10 बजे चले थे, शाम के 5 बज रहे हैं। सिया ठंड लग रही है क्या बेटा? ठंड लग रही है? बहुत खूबसूरत लोकेशन है, बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ आके कैसा लग रहा है? दिल खुश हो गया ऐसे लग रहा है, 2-4 स्वेटर मिल जाए। स्वेटर नहीं, रजाई मिलेगी अब, मैं तो मेरी कोटी भूल के आ गया। देखते हैं भरमौर से लेंगे फिर यहाँ तो।